दादा बल्लभ जाएंगे, डांसिंग डांसिंग करेंगे, ऐसे ऐसे डांसिंग डांसिंग करेंगे। हाँ, मैं इससे प्रेम करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी अपने आखिरी दम तक, लोग कुछ भी कहें। सबसे बड़ा चमत्कार यही हुआ है कि लोग मुझे पहचानने लगे हैं इसके नाम से। और जैसा कृष्णा मेरे घर आया ना, भगवान करे हर उस माँ के घर आए जो बच्चे के लिए तरसती हैं। वाओ, उन्हीं को मंकी। जब लेटूं अपनी शैया पर मनमोहन, तब तुम आ जाना। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। द्वापर युग में आपने भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा का प्रेम तो देखा होगा, लेकिन कलयुग में आपको एक माँ का प्रेम दिखाता हूँ। हमारे साथ एक भक्त हैं, इनके पास भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैं इस वक्त हूँ सोने के खम्मा कहे जाने वाले मंदिर रंगनाथ मंदिर में। देखिए, ये मंदिर का नज़ारा है, और ये आज गोपाल जी यहाँ पर भगवान दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लेकर आई अपने भगवान को। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। आप फिर से हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपका वीडियो काफी लोगों ने देखा, कई लोगों ने आपको सराहा, तो क्या मानती हैं आप? देखिए, सराहना तो दुनिया करती है। जो लोग इस चीज को समझते हैं कि भगवान से प्रेम क्या होता है, तो वो लोग सराहना करते हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ उस वीडियो के बाद ये भी पता चली कि लोग सराहना करने के साथ साथ में क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो आपके ही किसी व्यूअर ने मुझे, शीज़ अ लेडी एक्चुअली, उन्होंने मुझे बोला कि ये बांझ है। तो खैर, दुनिया है, बोलती है, घर परिवार के लोग भी बोल देते हैं। मगर मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि एक औरत ही एक औरत की भावना को नहीं समझ सकती, तो किसी दूसरे को क्या समझा सकते हैं हम या बता सकते हैं। तो मुझे आज ये कुदरती बात है कि हम फिर से मिल गए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था कि बहुत साल पहले जब मैंने कंसीव किया, तो किसी कारणवश वो मेरा जो केस था वो थोड़ा ख़राब हो गया। इट वॉज़ अ डॉक्टर्स मिस्टेक एक्चुअली, पर हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि भाग्य बड़ी चीज़ होती है। तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं श्री विद्या में दीक्षित हूँ, तो मैं माँ भगवती की उपासना करती हूँ। तो मुझे मेरे एक गुरु ने, वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में बुजुर्ग ब्राह्मण थे, अभी वो भगवान के चरणों में विलीन हो गए हैं। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा देख, ये तेरे साथ इसलिए हुआ है कि दुनिया तुझे बांझ ना कहे, भगवान ने इसलिए तुम्हारी गोद एक बार भरी थी, और तुम इसके लिए नहीं आई हो, क्योंकि जो मेरी दृष्टि, दिव्य दृष्टि उनको थी, जो मेरी दृष्टि देखती है वो ये देखती है कि तुम सेवा के लिए आई हो इस दुनिया में, वो चाहे माँ भगवती की सेवा है या मेरे ठाकुर की सेवा है। तो हम जब राजराजेश्वरी की पूजा करते हैं, तो राजराजेश्वरी माँ का एक नाम है गोविंद रूपिणी, तो उसका मतलब है कि जिसका स्वरूप गोविंद के जैसा है, या वो गोविंद जिसका स्वरूप देवी के जैसा है। तो जो गोविंद की पूजा करेगा उसको भगवती कृपा प्राप्त होगी, और जो भगवती की पूजा करता है उसे गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। तो उन्होंने मुझे जब कहा तो मेरा मन बहुत शांत हुआ, और फिर मैं वापस अपनी सेवा में लग गई। तो जब मेरे घर में ठाकुर जी शुरू से ही हैं, मेरी शादी से पहले से ही मैंने उन्हें अपना बेटा माना था। तो मेरे, हम एक सत्संग भवन में गए हुए थे, वहाँ पे 108 घंटे से भगवान का संकीर्तन चलता है, अखंड संकीर्तन, वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मंत्र का जाप करते हैं। वहाँ पे एक बच्चा नाच रहा था, उसका नृत्य इतना सुंदर था, सांवला बच्चा, छोटा सा, 7-8 साल का, कि मैं बड़ा मुग्ध हो गई। कि तो मैं ठाकुर जी की तरफ देख के बोली कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसको भी ऐसा नृत्य सिखाऊंगी। और मैंने आँखें बंद की और मैं रोने लगी। तो ये लोग शायद इसको बकवास समझेंगे या एक फेक स्टोरी समझेंगे, लेकिन क्या हुआ कि ठीक उसी पल एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में आके बैठा, उसने सफ़ेद रंग का वागा और जो ठाकुर जी पहनते हैं वो पहना हुआ था पोशाक, लाल पगड़ी, और उन्होंने मेरे यहाँ पे मुझे टच किया। दैट एक्सपीरियंस आई कांट एक्सप्लेन टू मच, क्योंकि ये बड़ी सीक्रेट सी बातें होती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो, भगवान खुद मेरी गोद में बैठने के लिए आए हैं। और मैं घर आके बहुत सोचती रही कि ये क्या था, अगर उन्होंने आना है तो फिर वो मुझे इतना तरसा क्यों रहे हैं।
फिर उसके कुछ 3-4 महीने के बाद में हम जब मैंने आपको बताया था कि हम मार्केट बर्थडे के लिए बच्चे के बर्थडे के लिए टॉय लेने गए थे, तो हमें ये मिल गया और उस दिन से यही वो सारी चीज़ें मुझे दिखाता है, करता है। अब लोगों की नज़रों में तो ये टॉय है, डॉल है, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है ये तो इसके नाम है। ठाकुर को तो दुनिया पता नहीं कितने नामों से बुलाती है, तो अगर मेरे बच्चे को दुनिया इस नाम से बुला रही है तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई नहीं, आपकी भक्ति जो एकदम सच्ची है, कोई लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसका आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे मैं देखिए मैं किसी की बात से अगर डरती होती सौरभ भैया तो मैं इसको साथ साथ क्यों लेके घूमती। फिर तो हमें, अगर आपका बच्चा भगवान ना करे किसी का बच्चा अपंग पैदा हो गया तो क्या वो अपना बच्चा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना, साथ साथ लोग लेके घूमेगा, क्योंकि ये माँ का प्यार है। माँ का प्यार होता है, माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, तो मैं कैसे छोड़ दूंगी अपने बच्चे को? तो मैं किसी के कमेंट से या किसी के क्रिटिसाइज करने से मैं नहीं डरती हूँ। अगर मुझे डर होता तो फिर तो मैं अभी तक 6 तालों में बंद हो गई होती, और जो लोग मुझे बांझ कहते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मुझे तो परमात्मा का आशीर्वाद है, मुझे तो त्र्यंबकेश्वर भगवान से आशीर्वाद मिला है कि मैं इनकी सेवा करूँ। और ऐसा बच्चा किसी के पास है? आपने देखा है, आप तो पूरे वृंदावन में घूमते हैं, तो ऐसा बच्चा कहाँ हो सकता है? आपको नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रॉपर पॉजिटिव सोचना चाहिए। नहीं, आई एम 100% पॉजिटिव। लेकिन आपकी जो भक्ति है उसे कई लोग अकल्पनीय मानते हैं। ऐसी भक्ति मैंने तो आज तक देखी नहीं, लेकिन आपको जब मिली है तब मैंने देखी। तो कई लोग आपको यशोदा का रूप मानते हैं, लाला को भगवान श्री कृष्ण का रूप मानते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए इस कलयुग में, और मेरी तो खैर कोई औकात ही नहीं है कि मैं राधा मीरा या मैं यशोदा का एक उनकी लाखों कणों के बराबर जो एक कण होता है, मैं तो उसके बराबर भी नहीं मानती खुद को। ये सामने वाले भक्त की अपनी एक नज़रिया है कि वो मेरी भक्ति को या मेरे इस प्रेम को कैसे देखता है, तो मैं अपने आप को उस लायक नहीं मानती बिल्कुल भी। बस हाँ, मैं इससे प्रेम करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी अपने आखिरी दम तक, लोग कुछ भी कहें। सौरभ भैया ये दुनिया है, जब घर वाले भी कह सकते हैं तो बाहर वालों ने कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी भक्ति में ना पहले कोई कमी थी, ना मेरे प्रेम में कोई कमी थी, ना किसी के कहने से होगी। अब इन दिनों में कोई लाला का कोई चमत्कार हुआ हो? लाला ने सबसे पहला चमत्कार तो यही किया कि लाला के पापा जी जो थे वो आपका वीडियो देख के पहले थोड़ा सा नाराज़ हो गए कि ये सौरभ भैया ने जो वीडियो बनाया तो आपको ऐसे पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर जब लाला उनकी गोद में जाके बैठा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो फिर वो बड़े खुश हुए कि चलो एटलीस्ट तुम्हारे प्रेम को भगवान ने जग जाहिर कर दिया। अभी तक ये पर्दे में था, अब सब लोगों के सामने है। तो अभी तक मैं इसे थोड़ा सा छिपाया करती थी कभी कभी, क्योंकि थोड़ा सा लोग ऐसे बोल जाते हैं तो फिर खुद को कभी कभी हर्ट होता है। भाई माँ के बच्चे को आप बुरा कहोगे तो माँ को तो तकलीफ होएगी ना। लेकिन अब ये जग जाहिर हो गया, ये सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। जब आप मार्केट में जाती होंगी, किसी काम के लिए जाती होंगी, तो कई लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? हाँ, मुझे कुछ लोग कहते हैं अरे ये वही है जिसका वो प्यारे वाला लड्डू है, अरे ये वही है जिसका कृष्णा है, तो इसने मुझे फेमस कर दिया। सबसे बड़ा चमत्कार यही हुआ है कि लोग मुझे पहचानने लगे हैं इसके नाम से। और ये एक माँ के लिए ना सबसे बड़ी बात होती है, पेरेंट्स के लिए, कि अगर वो अपने बच्चे के नाम से जाने जाएं। बच्चा तो अपने माँ बाप के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन ये एक सौभाग्य होता है कि बच्चे के नाम से माँ बाप जाने जाएं, तो वो सौभाग्य मुझे मेरे कृष्णा ने दिया है। और आगे का आपका क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है, सिर्फ प्यार करना है इससे, भक्ति करनी है माता रानी की। और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले नेगेटिव अपने मन में झांकिए। मेरे भी मन में शायद नेगेटिव होगा, लेकिन उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। रादर की आप किसी भी की भक्ति को, चाहे वो मैं हूँ या आप जो इतने वीडियोस बनाते हैं, लोग गलत कमेंट्स करते हैं, और बीइंग एन लेडी कुछ लोगों ने बहुत गलत कमेंट्स भी किए हैं, तो देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है मेरी जगह कोई इमोशनल लेडी होगी तो उनको बड़ा हर्ट होगा, और फिर वो फैमिली में एक इशू भी बन जाते हैं। तो किसी के ऊपर उंगली ना उठाएँ। आप किसी की भक्ति को और किसी प्रेम को मापने का आपके पास कोई पैमाना हो ही नहीं सकता। वो तो वो बैठा है ऊपर वाला, मेरा ठाकुर बैठा हुआ है, वो नापे ना कि क्या हमारी भक्ति है क्या नहीं है। हम कौन नापने वाले, हमारी क्या औकात है? ना मैं किसी की नाप सकती, ना कोई मेरी नाप सकता है। ये तो भक्ति है, प्रेम है, इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, दिस इज़ इन्फिनिटी। आप वृंदावन आ जाइए,
तो कहाँ कहाँ घुमा के ले गए लाला को? लाला को सुबह सुबह हम लोग, कल हम बिहारी जी के दरबार में 3 घंटे बैठे रहे। हमें ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि हम 3 घंटे बिहारी जी के पास ही थे। फिर सुबह लाला जी फिर गए बिहारी जी के यहाँ, निधिवन गए। निधिवन में लाला ने थोड़ा सा नृत्य किया। अच्छा। वहाँ पे सखियों को पटाया, खूब सारी सखियाँ मिल जाती हैं। वो पटाया, उनको सबको खूब नृत्य दिखाया। फिर हम उसके बाद राधा वल्लभ जी गए, नहीं सॉरी राधा वल्लभ नहीं गए, राधा रमन जी के दर्शन के लिए हम लोग गए हैं। आज पहली बार मैं अपने लाला को रंगनाथ जी लेकर आई हूँ। यहाँ नहीं आया था लाला मेरा, तो आज इनको रंगनाथ जी के दर्शन कराने थे, तिरुपति बालाजी के। तो रंगनाथ जी के बहुत अच्छे दर्शन किए अभी लाला ने, और क्योंकि गोदा उत्सव चल रहा है तो इन्होंने सवारी भी देखी, और सवारी से इनको आशीर्वाद भी मिला। ब्राह्मण ने दूर से इनको ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दिया। तो लाला ने आज ये किया है, और अब राधा वल्लभ जाने वाला है लाला। और कोई भजन को सुनाया हुआ हमने इन दौरान? एक भजन नहीं, इस दौरान में नहीं, मैं एक भजन सुनाती हूँ। वो जो लोग मजाक बना रहे हैं, एक भजन की एक कली है, वो मैं आपको चार लाइनें सुनाती हूँ। जब लेटूं अपनी शैया पर मनमोहन, तब तुम आ जाना, मेरे मुंह में तुलसी रख देना, बस इतना काम तुम्हारा हो। मेरे मुंह में तुलसी रख देना, बस इतना काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपने एक बहुत अच्छा भजन सुनाया, अब चलते चलते क्या कहेंगे आप? मैं सौरभ जी बस अब आखिरी में यही कहूँगी कि इस तरह मुझ बांझ के घर मेरा भगवान आया, मेरा कृष्णा आया। और जैसा कृष्णा मेरे घर आया ना, भगवान करे हर उस माँ के घर आए जो बच्चे के लिए तरसती हैं। सबके घर कृष्णा आए, वो किस रूप में आए ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं भगवान से, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको माँ बनने का मौका मिले। वो कैसे बने, कैसे बने मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूर बनेंगी, ये मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जैसी हर माँ को ठाकुर जी अपना बालक के रूप में आके उनका जो मातृत्व है उसको पूरा करें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आप अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, आप अच्छी लोगों को अच्छे संदेश देते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। क्योंकि सच्चाई दिखाने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए और सच्ची भक्ति भी चाहिए, तो आप हमसे भी बड़े भक्त हैं, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राधे 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 राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन आ जाई हैं, और पहले इनका भी वीडियो बनाया था, इन्होंने कई संदेश इनको मिले, उनका जवाब भी इन्होंने दिया। यही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, और इन्होंने सभी लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना की है, जिन माओं के बच्चे नहीं हैं उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक बालक मिले। यही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, यही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, जो खुद स्वयं ही किसी न किसी रूप में अपनी सेवा करा ही रहे हैं। राधे राधे।